हाय गाइड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस एयरपोर्ट प्रो के क्लोन वर्जन का जो एक वीक का एक यूजर एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा एक एयरपोर्ट जो है उसमें बैटरी कम जलती है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए दूसरी बैटरी जो है मैं इसको चेंज करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप खुद से जो है अपने एयरपोर्ट्स ये जो एयरबड्स है उसमें आप बैटरी कैसे चेंज कर सकते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से आपको इसको ओपन करना और किस तरह से आपको बैटरी रिप्लेस करनी है ठीक है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मैं हूँ किशोर सरवैया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज इस वीडियो में हम रिप्लेस करने वाले एयरपोर्ट प्रो की बैटरी यहाँ पे आपको पता होगा एयर जो है ये बड्स इसमें हम बैटरी चेंज करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने अगर देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो एक बड है उसका बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया है तो मैं इस बैटरी को रिप्लेस करने वाला हूँ उसके साथ और उसके बाद हम चेक करेंगे इसका बैकअप कितना आता है तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी लास्ट दो वीडियो देख सकते हो उसमें मैंने इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था उसके बाद एक वीक तक यूज़ करने के बाद मुझे कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था तो अगर आपको जानना है तो वो लास्ट वाले दो वीडियो जरूर देख लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैंने एक बार ट्राई किया था मेरा जो राइट वाला बर्ड था उस वीडियो में मैंने बताया था कि राइट वाला बर्ड जो है उसमें बैटरी बहुत कम चलती थी तो उसके बाद मैंने ये इसकी दोनों की बैटरी जो है आपस में एक्सचेंज करके देखा कि बर्ड्स में प्रॉब्लम है या फिर बैटरी में तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाली बैटरी थी वो मैंने राइट वाले में डाल के देखी तो वहाँ पे मुझे जो है राइट वाला अच्छे तरीके से चलने लगा था और लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम आ रही थी तो इसका मतलब यह था कि यहाँ पर हमारे बर्ड्स की जो बैटरी है उसी में प्रॉब्लम था तो आज मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ इस बैटरी के साथ आप देख सकते हो छोटी सी बैटरी है थर्टी एम की बैटरी है इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ इस एय एयरबर्ड के बैटरी के साथ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो यहाँ पे इसको आपको ओपन करना है उसके बाद ये बैटरी जो है इसको रिप्लेस करना तो यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना तो चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड में इस एयरबड्स को रखते हैं साइड में उसके बाद इस बैटरी को भी रखते हैं साइड में अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें इसको ओपन कैसे करें तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है इसको प्रेस करना है आप दोनों साइड से आप देख सकते हो इस तरह से जब भी आप प्रेस करोगे या फिर दो साइड से तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जब भी आप प्रेस करोगे हल्का सा आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको गैप दिखेगा उसी गैप को जो है आप ऐसे खोलोगे तो खुल जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ पहले उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बैटरी इसकी रिप्लेस करनी है देख लीजिए कितने इजिली जो है हमारा एयरबड जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी यहाँ पे बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी हालांकि इसको मैंने जो है पूरा ओपन करके रखा था यहाँ पे मैं फोटो अटैच कर रहा हूँ आप देख सकते हो इसके अंदर क्या आता है ठीक है तो चलिए हम इसके बैटरी को जो है इसको रिप्लेस करते हैं इस बैटरी के साथ तो सबसे पहले हम इस बैटरी को निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाएगी बहुत छोटी सी बैटरी है अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये सो प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस सर्च करें ठीक है तो यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आप कैसे खुद से जो है एयरपोर्ट प्रो की अगर बैटरी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ओल्ड वाली बैटरी है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा आपको इसको शोल्डर आयरन से जो है इसको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ से आपको निकाल देना है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसको निकाल सकते हो देख लीजिए ये हमारी बैटरी जो है अलग हो चुकी है तो चलिए इसको हम रखते हैं साइड में अब दूसरी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का ये है कि आप यहाँ पे दोनों बैटरी जब भी आप इसको ओपन करो तो आप देख लो किस साइड पे नेगेटिव है और किस साइड पे पॉजिटिव तो यहाँ पे जिस साइड पर आपको लगे उस साइड पर आपको रख देना ठीक है मेरा यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से जो जो है यहाँ पर इसको सोल्ड कर दूँगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं आप सिंपल से सोल्ड आयरन से जो है इसको सोल्ड कर सकते हो देख लीजिए यहाँ पे हमारी नई बैटरी जो है रिप्लेस हो चुकी है तो उसका इस, भी मैं आपको आगे बताता हूँ आपको इसमें चेक कैसे करना है अगर आपका जो है प्लस और माइनस जो है आप ठीक तरह से नहीं होता तो आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो पॉजिटिव यहाँ पे लगा के नेगेटिव यहाँ पे लगा के ठीक है तो आपको सिंपल सा प्रोसेस देख लेना है इससे कुछ भी आपको एयरपोर्ट को जो है हार्म नहीं होगा चलिए इसको हम फिर से चिपका देते हैं जैसे था वैसे ही तो देख लीजिए यहाँ पे हमारी जो है बैटरी रिप्लेस हो चुकी है बहुत ही सिंपल है सिर्फ आपको इसको डिसोल्व करना है उसके बाद यहाँ पर न्यू बैटरी को सोल्व कर देना तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसको फिर से यहाँ पर अटैच करके उसके बाद आपको जो है इजीली जैसे आप लोगों ने खोला था यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आपको मैच कर देना है इससे जो आपका एयरबड जो है अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा तो देख सकते हो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारा जो है एयरबड जो है अच्छे तरीके से फ़िट हो चुका है यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता कि इसको हमने खोला हुआ है और ये हमारी बैटरी जो है यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है तो चलिए अब मैं देख लेता हूँ कि ये जो वर्क करता है या नहीं करता ठीक है देख लीजिए यहाँ पे चार्ज हो रहा है तो दोनों जो है यहाँ पे मेरा अब अच्छा खासा चल रहा है ठीक है मैंने यहाँ पे इसको लगा के देख लिया इसमें जब भी मैंने कान में रखा तो यहाँ पे इसका जो साउंड आता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तो इसी तरह से आप बिल्कुल इजीली जो है अपनी बैटरी को जो है चेंज कर सकते हो सिंपल सी इतनी छोटी सी बैटरी आती है आप इसको चेंज करके जो है अपने एयरपोर्ट की बैटरी बैकअप को जो है यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो तो अब मैं आपको दो तीन दिन बाद इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो बैटरी रिप्लेस करने के बाद मुझे इसका कितना बैकअप मिलता है किस तरह से इसका यूज यूज़र एक्सपीरियंस होता है मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि मुझे इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि अगर आप लोग बैटरी रिप्लेस करते हो तो आपको कैसा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कर कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो